नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। भारत में हर जगह वैक्सीन करनाल से भेजी जाती है। मेरठ में पहले चरण में करीब 19,000 लोगों का टीकाकरण होगा, जिसे 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। बुधवार को जिले में वैक्सीन का इंसुलेटेड वाहन पहुंचा जोनल डिपो में। भंडारण करने के बाद सभी जिलों के लिए जरूरी डोज भेजी जाएगी। जिले की सभी 28 कोल्ड चेनों को अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पर वैक्सीन का भंडारण 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच किया जाएगा। इस दौरान जिले के 12 केंद्रों पर टीकाकरण होगा, जहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। कई अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही मेरठ में 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी केंद्रों पर कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी। जिले में 3,000 लीटर से भी ज्यादा भंडारण की क्षमता है। डॉक्टर रेणु गुप्ता, सिंगल अपर निदेशक, मेरठ मंडल। मैडम, टोटल कितनी वैक्सीन आज आई है और कितने चरणों में ये वैक्सीन लगेगी? आज जो है 15,350 वायल हैं और एक वायल में 10 डोजेज हैं। इस तरह से मिला के 153,500 डोजेज हैं। कितने चरणों पर लगने, कितने सेंटरों पर? क्या टेम्परेचर रहेगा इनका? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या पूरे इंतजाम है? हाँ, पूरा इंतजाम है। सिक्योरिटी का भी इंतजाम है और टेम्परेचर मेंटेन रखने का भी। मैडम, शुरुआत में जो आई है वैक्सीन तो 4.8 है टेम्परेचर। प्रथम चरण में कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी? प्रथम चरण में हर जगह, हर जनपद में अलग अलग है जी। तो हापुड़ में 4 जगह लॉन्च होगा, बुलंदशहर में 16, गौतम बुद्ध नगर में 8, गाजियाबाद में 7 जगह, बागपत में 6-17 लगेंगे और मेरठ में 12। मैडम, इनमें कुछ विशेष रहेगा मैम? जरा सही।